बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये देखें गुले दाऊदी, रेंथिमम का प्लांट है मेरा, गुले दाऊदी कहते हैं इसे, तो और भी काफ़ी सारे नाम हैं। तो ये मेरे मदर प्लांट हैं तीन। ये देखें, मैंने पिछले साल जो बाय किए थे मैंने, तो उनको मैंने गर्मियों में बहुत ज़्यादा इसकी केयर की और इसको संभाल के रखा। तो अब इसका टाइम आ गया है, बरसात का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, तो ना मैंने कहा चलें आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। इसकी कटिंग लगाने लगी थी, कुछ मैंने लगा ली थी और कुछ अब मैं लगाने लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। आपके पास गुलदस्ती है तो आप भी लगा लें। ये है मेरा पर्पल कलर का, तो मैंने इसका येलो पॉट रखा है, ये रेड है, तो ये तकरीबन येलो कलर का है, रेड में येलो डाला है मैंने कलर। ये मेरे मदर प्लांट हैं, तो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा भी होगा कि मैंने कितनी इनकी केयर की है। शाम का टाइम है, तो ये मेरा पर्पल कलर का है, तीन चार कलर है मेरे पास, तो मैं इनकी कटिंग लगाने लगी हूँ। तो जैसे ही विंटर शुरू होगा तो हमारे घर में इतने ज़्यादा फूल खिलेंगे, गुच्छों में ये फूल खिलते हैं यहाँ से। तो कुछ मैंने इसकी कटिंग कर दी थी ताकि ये पिंचिंग करना शुरू कर दी थी मैंने इसकी, तो माशाल्लाह ये नई नई शूट्स निकल रही हैं, ये देखें। तो आप भी इसको घर में ऐड करें और बहुत ज़्यादा फूल इसके विंटर में खिलते हैं और प्यारे भी बहुत लगते हैं। कई कलरों में आते हैं, तकरीबन 8-10 कलरों में हमारे इधर आते हैं, तो मेरे पास 3 से 4 कलर हैं। इसकी कटिंग लगाना इतनी इजी है ना, बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे हम लोग पुदीना नहीं लगा लेते, ऐसे भी लगा सकते हैं। गुलदुपहरी भी इजी है लगानी, उसी की तरह जैसे गुलदुपहरी इजी है ना लगाना, ऐसे गुलदाउदी इजी है लगाना। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये कैसे लगाते हैं। बिल्कुल इसकी ये यंगर शूट लेनी है, तो ग्रोइंग टिप्स जो है वो होना चाहिए। तो बस इतनी सी छोटी सी मैं आप लोगों को काट के दिखाती हूँ कि कितनी ये कटिंग चाहिए। ये देखें ये कटिंग है, तो इतनी सी बस आप काट लें, इतनी सी मैं काटूँगी। ये देखें ये मैंने काट ली है, ये मैंने कटिंग ली है इसकी, तो एक मैंने ये काट ली है, और भी मैं अब मज़ीद काट लेती हूँ तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस इतनी सी कटिंग लेनी है इसकी, और ये आप इसके जो साइडों के पत्ते हैं वो आप ऐसे करके काट लें। तो साथ में कैमरा भी पकड़ा हुआ है, साथ में इसको मैंने कटिंग को भी पकड़ा हुआ है, तो ऐसे ये बिल्कुल इतनी सी कटिंग आप लोगों ने लेनी है। तो मैं ये कटिंग बना लूँ फिर आप लोगों के साथ करती हूँ। ये देखें मैंने ना गुलदाउदी की ऐसे करके कटिंग काफ़ी सारी काट ली है, तो आप लोगों ये देखें ऐसे इतनी सी कटिंग लेनी है मैंने, इतनी इतनी। ये देखें मैंने गुलदाउदी की सारी कटिंग ले आई हूँ, तो इसको बना के फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे इसको कटिंग को लगाना है। ऐसे मैं बना लूँ, एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ में ये है। ऐसे ये नीचे नीचे के जो पत्ते हैं वो सारे आप उतार दें ऐसे करके। ये देखें मैंने सारी कटिंग तैयार कर ली है, जो जो मैंने काटी थी जितनी मुझे चाहिए थी। तो ये देखें दोस्तों ऐसे इतनी सी कटिंग लेनी है, और ग्रोइंग टिप्स से ये बस 2 से 3 पत्ते छोड़ने हैं और इतने से बस। तो ये देखें इसकी ये नोट एरिया है ना, तो इसके पास से ये कटिंग करें, 1, 2, 3 नोट एरिया जो है ना वो आप गमले में दबा दें। तो मैं तो जो भी कटिंग लगाती हूँ, तो ये मेरे पास है एक हाइड्रोजन ऑक्साइड है, तो इसको मैं ना 2 से 3 कतरे पानी में डाल के तो कटिंग को धो लेती हूँ। तो ऐसे है ये मेरे पास 3% वाली मैंने दी हुई है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, हल्दी भी लगा सकते हैं और कोल बैठे भलाई ही जाते हैं। ये देखें मैं बस थोड़ा सा एक कतरा इसके अंदर पानी में डिप करूँगी,
तो ना ऐसे करके मैंने पानी में डिप कर लिया, तो जो सॉरी कटिंग है मैं इसमें डिप कर लूँगी, ऐसे इसको खूब धो लूँगी ताकि जो भी मैंने सीजर से काटा है इसको तो बिल्कुल ये साफ़ हो जाए। तो ऐसे करके साफ़ कर लें। इसको करने के बाद मैंने गार्डन की मिट्टी ली है, रिवर सैंड जो होती है सादा, बिल्कुल मिट्टी में मैं गुलदौदी लगाती हूँ और माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे हो जाते हैं गुलदौदी की। ये कटिंग तो ऐसे बस इतना सा ये कटिंग है और इतनी सी बस मिट्टी में दबानी है ऐसे करके। मैंने पेल्सन से होल पहले ही किए हुए थे ये मिट्टी में, और मिट्टी के अंदर आप खूब अच्छी तरह पानी दे दें ताकि जो भी पानी वो नीचे से ड्रेन हो जाए और पानी अच्छा इसके अंदर आ जाए। जब बाद में बंदा पानी लगाता है ना तो वो कटिंग हिल जाती है, जब हिलती है तो कटिंग फिर सही तरीके से लगती नहीं है। बहुत अच्छा तरीका है ये कटिंग लगाने का, आप भी ट्राई कीजिए। ये देखिए मैंने होल कर लिए ऐसे करके, इसके अंदर मैं इतनी सी बस कटिंग लगा दूँगी और ऐसे। तो आप बड़ी भी लगा सकते हैं, छोटी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, इतनी सी भी इसकी कटिंग चल जाती है मौसम में ना गुलदौदी की। इतनी सी भी कटिंग मैंने लगा के देखी है, अभी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। मैंने 5-6 दिन पहले कटिंग लगाई थी ये ऐसे करके, मैंने एक गमले में सारी कटिंग लगा रही हूँ। तो ऐसे कटिंग करें, साथ में ऐसे फिंगर से दबा दें तो 3-4 दिन में इनकी रूट्स बननी शुरू हो जाती हैं कटिंग की। दोस्तों मैंने पूरी कटिंग 6-7 कटिंग थी जो मैंने छोटे से गमले में इसमें लगा दी है, इतना सा मेरा गमला है। तो इसमें मैंने ये कटिंग गुलदौदी की सारी लगा दी है, तो पानी भी दे दिया है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि 3-4 दिनों के अंदर अंदर इसकी रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं और प्लांट बनना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई प्लांट ख़राब भी हो जाता है तो आप घबराएं नहीं और परेशानी हो, तो ये बहुत अच्छा प्लांट है। ये देखें, मैंने कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो बारिश होते होते मैंने ये कटिंग लगा दी, माशाल्लाह ये मेरी कटिंग चल पड़ी, आप देख रहे हैं। तो मैंने इसमें 4 लगाई थी, एक ज़रा थोड़ी सी बड़ी लगाई थी वो ये है, और जो छोटी बिल्कुल कटिंग लगाई थी साइडों से निकली हुई, तो ये देखिए कितनी प्यारी हो रही है। तो ऐसे करके मैंने ये कल लगाई थी कटिंग, माशाल्लाह हो गई है। ऐसे थोड़ी सी लूज सी हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, इसको पानी दें और ये बिल्कुल 2-4 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसे करके मैंने कल लगाई थी ये कटिंग, और एक ये मैंने कटिंग लगाई है। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने जो पहले हफ्ता एक पहले कटिंग लगाई थी बड़े गमले में, मैं वो आपको दिखाती हूँ कैसे रूट्स निकली हुई हैं। ये देखिए मैंने बड़े गमले में एक मेरा कलर था पर्पल कलर का, जो मैंने आपको ये मदर प्लांट दिखाया है, तो इसकी मैंने छोटी छोटी खड़े खड़े कटिंग काटी और लगा दी। ये तकरीबन काफ़ी दिन हो गए हैं, तो ये देखिए मेरी कटिंग कितनी अच्छी, सारे गमले में मैंने ये लगा दी है। ये देखिए कटिंग लगी हुई है, मैं निकाल के दिखाती हूँ कि ये रूट्स बनी हुई है या नहीं बनी हुई अभी। ये मेरी कटिंग है, तो मैं कोई इसी भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें ऐसे करके, ये देखें रूट्स बनना शुरू हो गई हैं। ये देखें आप लोग रूट्स, ये छोटी छोटी रूट्स नज़र आ रही हैं, तो ऐसे रूट्स बनना शुरू हो जाती 5-6 दिनों में ये खुद। ये देखें फर्स्ट जो ग्रोइंग था ना, तो वहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। तो माशाल्लाह ये गुलदौदी का जो प्लांट होता है ये, इसको मैं इधर ही लगा दूँगी फिर से। तो ये सारी मैंने कटिंग लगाई हुई है, तो माशाल्लाह चल पड़ी है मेरी कटिंग। दोस्तों आपको मेरी कटिंग लगाने का तरीका पसंद हो तो आप कमेंट्स में मुझे बताना, और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो फिर भी बताना। तो जिस बहन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए। तो ये देखें मेरे गुलदौदी, तो आप लोगों को फिर से जब रिपोर्ट करूँगी मैं फिर से दिखाऊँगी कि मैंने रिपोर्ट कैसे की है। दोस्तों अपना ख्याल रखना, ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।